मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के हंसना के विजय सिंह के 18 साल के बेटे यश कुमार अहियापुर के बकरी चौक के पास किराए के मकान में रहता है। सोमवार सुबह बगल में अपने फुफेरी बहन के घर गया था। वहीं उसके छोटे भाई आर्यन के छाती पर बाइक सवार युवकों ने हाथ मार दिया। इसके बाद वो लोग बाइक सवार का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद बाइक सवार दोनों अपराधी वापस वहां से गुजर रहे थे, तभी यश ने उनको रोक लिया। दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी हथियार निकाले और यश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें यश को दो गोलियां लग गई। एक गोली उसके दाएं हाथ पर लगी है, वहीं दूसरी गोली उसके बाएं तरफ छाती में लगी है। इसके बाद अपराधी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बाद यश भागकर एक घर में छिप गया। थोड़ी देर बाद आनन-फानन में घायल यश को बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां उसका इलाज चल रहा है। यश ने इस साल 10वीं की परीक्षा पास की है और अहियापुर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। सर, मैं बकरी में रहता हूं जी। तो एक मेरी दीदी का डेरा है वहां पे, विश्वकर्मा मार्केट करके है। तो हम लोग लिए हुए डेरा एक नया मोहल्ला है, सुधा किट से गली अंदर कटती है। तो आज सुबह हम दीदी को लेके आए गरीब स्थान से, तो हम दीदी के डेरा पे रुक गए और बगल भी मेरा डेरा है तो हम सो गए वहाँ पे। उसके बाद हम नीचे उतरे, मतलब हम नीचे नहीं उतरे, मेरे भैया आए बड़े वाले, तो उनका आज मैच था, क्रिकेट मैच। तो मैंने अपने छोटे भाई को बोला कि भैया आ गए हैं तो उनका क्रिकेट किट लेके आओ। तो किट लाने गया वही सुधा किट वाली गली में, बगल में ही है। तो वहाँ पे जब लौट रहा था किट लेके, तो एक बाइक वाला था, बड़ा सा शरीर उनका, उसका शरीर बड़ा सा था, आगे मोटा सा था। दोनों ने मास्क लगाया था, आगे वाला ने हेलमेट लगाया हुआ था मास्क के साथ, ठीक है। फिर बस मस्ती के लिए उसने मेरे भाई को चेस्ट पे बड़े से हाथ से थप्पड़ मारा। अब बच्चा था आया, अभी मम्मी पापा मेरे साथ में रहते नहीं है सर, हम पढ़ाते हैं स्कूल में, एक छोटा सा स्कूल है सर, उसमें पढ़ाते हैं। तो वो बोला हमको कि भैया ऐसे मारा हमको। अब किसको बोले, पापा रहते तो पापा को बोलता, अब हम ही बड़े भाई हैं, मेरे साथ ही रहता है, उसको रख के पढ़ाते हैं यहाँ पे, क्रिकेट खिलवाते हैं। तो वही आया वो, समझे, तो हमको बोला। तो भैया बोले क्या कि एटलीस्ट नंबर तो नोट करना चाहिए था, ऐसी कोई किसी को कैसे मार देगा। तो बोला कि नहीं, सो हम पैनिक कर गए, तो नंबर मैंने नोट नहीं किया। उसके बाद बोले उसको कि तू बैल्कनी में खड़ा हो जा, वो बाइक वाला आएगा तो बता हम लोग को, हम लोग देखते हैं। उसको नीचे हम भेज दिए दुकान में कोई काम से, हम खुद बैल्कनी में खड़े हो गए। हम देखे क्या कि आ रहा है, हमको लगा ना कि जैसा आर्यन बताया मेरा भाई, वैसा ही टाइप का दो लोग गाड़ी से जाता दिखा हमको, ठीक है। अब वो लोग राउंड मारा था सर, 2-3 राउंड वो लोग पहले से मार रहे थे, मेरे लिए नहीं आए थे, ये मैं कन्फर्म बोलता हूँ, वो लोग मेरे लिए नहीं आए थे, पहले से रेफी कर रहे थे। हाँ, वो लोग किसी के लिए, किसी का सेटिंग था पता नहीं क्या, तो मेरे लिए नहीं आए थे। तो हम देखे कि उस तरफ से आ रहा है, तो हम उतर गए, भैया को बोले कि भैया आ गया है। तो भैया उस टाइम टॉवल में थे, भैया स्नान करने जा रहे थे। तो भैया बोले रुक रुक रुक, हम भी चल रहे हैं। हम कहे नहीं नहीं, आप आइए पैंट पहन के, हम तब तक साले लोग को घेरते हैं, समझे सर। तो जब गए तो वो आ रहा था सामने से, हम घेर लिए। हम रोके गाड़ी, पूछे क्या हुआ, काहे मारा, और कॉलर पकड़े सर, वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो हम कॉलर पकड़े। हम सोचे कि भाई तब तक आ जाएगा या पब्लिक जुट जाएगा, ऐसी कोई किसी को सही बात नहीं ना सर मारना। उसमें भी छोटा भाई कंप्लेन किया तो बड़ा भाई जानते ही हैं। तो हम बस उसका कॉलर पकड़े। अब सर वो पैनिक कर गया, वो हमसे ज़्यादा पैनिक वो कर गया, उसको लग गया डर। पीछे वाले ने भी निकाला, आगे वाले ने भी निकाला बंदूक, 2-3 फायर हुआ सर, समझे। आगे वाला का हमको मात्र एक ही गोली लगा सर, चेस्ट में लगा है, चेस्ट में। कहाँ के रहने वाले होंगे आप? हम तो सर हुए यहाँ पे फिलहाल, अभी बकरी में डेरा है, ऐसे हम, मेरा निवास स्थान है हसना। कौन सा जिला है ये? मुजफ्फरपुर जिला ही है, कटरा तरफ है, गायघाट जी। तो हमारा यश विजय सिंह नाम है। उम्र कितना? उम्र है सर मेरा 1700। प्राइवेट टीचर है? हाँ सर, यही 10 दिए ना इस बार तो।
सूचना मिली है कि बकरी चौक के बगल में डीएवी स्कूल है, वहीं पे गायघाट के रहने वाले यश विजय सिंह पिता के नाम है विजय सिंह, ग्राम हसना थाना गायघाट जिला मुजफ्फरपुर निवासी, जो डेरा लेकर डीएवी स्कूल के बगल में अपना रहता है, जो सुबह में पूजा करके आया है और अपने डेरा पर गया है। तो उसके भाई को दो आदमी बाइक वाला एक चक्का मार दिया, एक मुक्का मार दिया है। वही सूचना ले जा करके यश विजय को दिया है। यश विजय अपने रूम में से निकल के बाहर आया है तो दोनों बाइक एक बाइक है जिसमें दो सवार था, वो आया अपराधी और इसको गोली मार दी। एक गोली लगा है दाहिने साइड में सीना पर, बाकी हवाई फायरिंग कर लिया। सीसीटीवी में आप जाके देखें क्या कुछ उसमें लिखा है, सीसीटीवी में तो हम लोग नहीं देखे। आगे क्या कार्रवाई कर रही है? सीसीटीवी वहाँ पे है, सीसीटीवी का फुटेज निकाल करके उसके बाद कुछ रीजन पता चल पाया घटना का? अभी तो लड़का कुछ बता नहीं रहा है, अज्ञात बता रहा है। लड़का पूछने पर बोला कि हम नहीं जानते हैं। फिलहाल सीसीटीवी खंगाल रहे हैं आप लोग से। थैंक यू। उधर से आ रहा था, ठीक है, रोड पर से दो लड़का आ रहा था, ठीक है, वहाँ बगल में झगड़ा हुआ था तो वो वहीं पे खड़ा था, पता नहीं किससे हो रहा था बगल में झगड़ा, मैं नहीं जानती हूँ। वो वहीं पे खड़ा था, वो साइड से आया है और गोली वाले बाइक वाले को लगा है कि ये भी साथ में था और वो गोली चला दिया, उस पर गोली लग गया, फिर दोनों भाग गया, दोनों बंदूक लिए हुआ था। कहाँ की घटना है ये? आप यहाँ बकरी चौक का है। कितने बजे लगभग घटना? 7:30। पहले से कोई दुश्मनी नहीं? पहले से कोई दुश्मनी नहीं था। गोली लगाओ कौन लगेंगे? मेरा भाई है, मामा जी का लड़का है। क्या लग रहा है, किसी दुश्मनी जमीनी? नहीं, दुश्मन नहीं, छोटा लड़का है, किसी से ये जमीनी दुश्मन विवाद तो हो नहीं सकता है, ठीक है, बात झगड़ा लड़ाई का हो तो छोटा बच्चा है उससे कोई फायदा, लेकिन वो जिसको लगा है वो क्यों मारा है क्या उससे उसको कोई जान, वो भी नहीं जान पाया और हम लोग भी नहीं पा सकते। हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस हॉस्पिटल। थैंक यू।